हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मायने में शिफत अहमद आपकी बायोलॉजी मेंटर इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अच्छे से प्लान टिश्यू पढ़ लिया था और आज वाले क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम लोग खुद के बारे में पढ़ने वाले हैं किस किस चीज़ से हम लोग बने हैं कौन कौन सा टिश्यू क्या क्या काम करने वाला है वो सारे के सारे चीज़ पढ़ेंगे ठीक है तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं तो एनिमल टिश्यू टिश्यू का मतलब हम लोग पता कर लिए थे कि टिश्यू एक्चुअल में होता क्या है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन ठीक है अगर बहुत सारे सेल्स है एक साथ मिल गए और एक पर्टिकुलर फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं यहाँ पे डेफिनेशन देखें मल्टी सेलुलर एनिमल बॉडीज इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स इन मोस्ट केसेस वन टाइप ऑफ टिश्यू वन टाइप ऑफ सेल्स आर क्लोजली पैक टूगेदर एंड सर्व द सेम जनरल फंक्शन ऑल दिस सेल्स फॉर्म टिश्यू मतलब क्या कि मल्टी हम लोग जो है हम लोग तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना मतलब हम लोग एक सेल से तो मिलके नहीं बने हम लोग बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं तो बहुत सारे सेल्स आपस में पैक्ड हुए हैं अलग अलग चीज़ बनाए हैं और वहाँ से अलग अलग फंक्शन रोल करने गए हैं और उससे क्या हुआ है अलग अलग टिश्यू बनाए हैं और हम लोग जैसे कि आँख से हम लोग देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कान से सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टमक में फूड स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो सारे के सारे चीज़ किससे बने हैं टिश्यू सेल के एक साथ आने से टिश्यू के फॉर्मेशन बनने के बाद वो चीज़ बने तो हम लोग जैसे कि प्लान किंगडम में बात किए थे प्लान किंगडम में क्या हुआ था कि कितने टाइप ऑफ टिश्यूज़ थे दो टाइप ऑफ़ टिश्यू थे परमानेंट टिश्यू और मेरिस्थमेटिक टिश्यू हम लोग जितने टाइप ऑफ टिश्यू से बने हैं वो है चार टाइप ऑफ टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू अब ये टिश्यू आया कहाँ से तो एक अच्छा सा ओवरव्यू लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सारे टिश्यू आए कैसे स्टार्टिंग में जैसे कि सबको हम लोग लाइफ कैसे स्टार्ट करते हैं मम्मा के गैमेट्स और पापा के गैमेट्स आपस में मिलते हैं और उसके बाद एक जयगॉट बना देते हैं ठीक है ये जयगाट में सेल डिविज़न होता है बहुत ज़्यादा तो उसके बाद हम लोग अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं यहाँ से ठीक है ये सेल डिवीजन कुछ ऐसे करके अगर हो जाता है ना कि कुछ सेल्स ऊपर के तरफ चले जाते हैं कुछ सेल्स नीचे के तरफ चले जाते हैं और कुछ सेल्स बीच में रह जाते हैं ऊपर वाले सेल्स को हम लोग एक्टोडर्मल सेल के नाम से जानते हैं एक्टोडर्मल टिश्यू एक्टोडर्मली ओरिजिन ऐसे करके नीचे वाले को एंडोडर्मल, और बीच वाले को मीजोडॉर्मल ठीक है अब यहाँ से अलग अलग काइंड ऑफ़ टिश्यू बनेंगे ठीक है तो हम लोग में चार टाइप के टिश्यू होते हैं तो चारों टाइप ऑफ टिश्यू में देखें तो जो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है ना एपिथेलियल टिश्यू तीनों लेयर से बनता है मतलब ये एक्टो एंडो और साथ ही साथ मीज़ो तीनों से बनेगा मतलब एक बोलेगा कि हमको मीज़ो से भी बनना है एक्टो से भी बनना है और एंडो से भी बनना है और वही अगर कनेक्टिव टिश्यू देखें कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन कहाँ से होता है ये मीज़ोडोम से ओरिजिन करते हैं और वही मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू का भी ओरिजिन मीजोडॉम से होता है और नर्वस टिश्यू ये एक्टोडर्म से ओरिजिन होते हैं तो समझ आया कि ये चारों टिश्यू कहाँ कहाँ से आए हैं ये मतलब एपिथेलियल टिश्यू ये तीनों से आया है तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा अबंडेड होगा हम लोग के बॉडी में मतलब ये हर जगह पाए जाएंगे चाहे वो आपका चाहे जितना भी ऑर्गेन हो ऑर्गेन का जो इनर लाइनिंग वगैरह होता है वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू होता है इसका काम क्या क्या होता है ये एपिथेलियल टिश्यू आपके बदन में क्या करता है प्रोटेक्शन का काम का करता है फिल्ट्रेशन का काम करता है डिफ्यूजन करेगा प्रोटेक्शन करेगा ठीक है और वही अगर कनेक्टिव टिश्यू आए कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक ऑर्गेन को दूसरे ऑर्गेन से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वही अगर मस्कुलर टिश्यू अगर हम लोग चल रहे हैं वह एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे लोकोमोट कर रहे हैं वहां पे किसका काम आ रहा है मस्कुलर टिश्यू मतलब ये मूवमेंट और लोकोमोशन में काम कर रहा है और आया नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू क्या करता है कि अगर हम कोई भी एक्शन ले रहे हैं एक्साइट हो जा रहे हैं तो वहां पर कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है नर्वस टिश्यू अब सारे टिश्यू को अच्छे से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन क्या है एक्टोडम एंडोडम एंड म्यूजम तीनों जगह से ये ओरिजिन होते हैं ठीक है थीके? इसका फंक्शन देखिए ये किसके बेसिस पे मतलब इसका मेजर फंक्शन क्या है सबसे पहले ये डिफ्यूजन में काम करेंगे डिफ्यूजन मतलब क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह पे गैस फॉर्म के थ्रू कुछ भी ट्रांसफ़र करना अब्जॉर्बशन मतलब कोई चीज़ अपने अंदर ऑब्जॉर्व करना सिक्रेशन मतलब कोई चीज़ अपने से बाहर निकालना फिल्ट्रेशन सबको पता है कि कोई चीज़ को प्योरीफाई करना प्रोटेक्शन भी सबको पता है कि मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर हम प्रोटेक्ट हो रहे हैं तो उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू का डेफिनेशन देखते हैं द टिशू विच एक्ट एज कवरिंग मटीरियल ओवर द इंटरनल हॉलो ऑर्गेन्स एंड एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू अब इसका मतलब क्या हुआ आपके बदन में जितने भी ऑर्गन से चाहे वो आपका नाक हो आँख हो स्टमक हो इंटेस्टाइन हो उसमें मतलब ये सब तो हॉलो ऑर्गन है ना आपका एयर भी एक हॉलो ऑर्गन है मतलब उसके अंदर एक छेद है आपका स्टमक भी एक हॉलो ऑर्गन है मतलब बाहर से तो स्टमक है लेकिन अंदर में एक हॉलो स्ट्रक्चर है ना जहाँ पे फूड स्टोर होता है इंटेस्टाइन भी एक हॉलो स्ट्रक्चर है तो अंदर वाला जो लेयर होता है ना जैसे कि ये एक हॉलो ट्यूब है, है इसको आप ऑर्गन मान लो तो अंदर में जो सेल्स लगे होते हैं वो किसके होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं ठीक है थीके? अब ये अलग अलग काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ द बॉडी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल लाइनिंग में अगर हम लोग नॉर्मल अगर हम इंसान हैं तो इंसान में जो ऊपर वाला कवरिंग है ना हमारे स्किन का वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही मिल बना है और एपिथेलियल टिश्यू में ये बात आप याद रखिएगा कि कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते अगर आप एपिथेलियल टिश्यू को काटते हो तो क्या होता है कि आपका खून वो नहीं निकलता है एपिथेलियल टिश्यू हमेशा अगर देखे अगर समझ लो ये एपिथेलियल टिश्यू है इसमें कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होता है नॉट एनी ब्लड वेसल्स ठीक है ये एक लेयर पे लाई करता है ठीक है ये लेयर को हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं अब इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर कनेक्टिव टिश्यू आपका कट जाता है तब वहाँ से क्या होता है कि खून निकलना स्टार्ट हो जाता है अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ना इसमें कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होते ये सेल्स से मिलके नहीं बना होता अब जब ये सेल्स से नहीं मिलके बना है तो किससे मिलके बना है ये प्रोटीन और फाइबर से मिलके बना होता है ठीक है इसलिए बोला जाता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो असेलुलर इन नेचर होता है तो समझ आ गया कि एपिथेलियल टिश्यू आउटर सर्फेस हमारे स्किन का आउटर सर्फिस पे है और ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाइकर है उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है बेसमेंट मेम्ब्रेन असेलुलर है मतलब उसमें कोई सेल प्रेजेंट नहीं है ये प्रोटीन और फाइबर से मिल बना है दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन देखें इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हॉलो ऑर्गन्स अगर ब्लड वेसल भी है तो ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग में भी क्या प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू और जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं आपके बदन में उसमें भी प्रेजेंट होता है ऑल ग्लान्स ऑफ द बॉडी अब आपके बॉडी में जितने भी ग्लैंड आपने नाम सुना होगा सैलैवरी ग्लैंड जहाँ से सलाइवा का सिक्रेशन होता है थायरॉयड ग्लैंड जहाँ से थायरॉक्सिन का सिक्रेशन होता है सब में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है अभी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू का तो अच्छे से समझ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा चीज़ प्रेजेंट होता है तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने से पहले एक जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं मतलब इसमें बहुत सा बहुत सारा अलग अलग वैराइटीज़ होते हैं लेकिन एक जनरल स्ट्रक्चर होता है ना तो वो देखते हैं सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू इज कम्पोज ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल मतलब इसमें जितने भी सेल्स होंगे एकदम ऐसे ऐसे करके पैक्ट होंगे ज़्यादा ही इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट नहीं होगा ठीक है ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ द सेल आर हेल्प टूगेदर बाई अ वेरी थिन लेयर ऑफ़ इंटरसेलुलर स्पेस अब इतने सामने सामने जुड़े हैं तो इसमें कोई इंटर सेलुलर स्पेस तो है ही नहीं पॉइंट नंबर टू देखते हैं इट लाइज ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से बता दिया है कि ये असेलुलर होता है असेलुलर होता है और साथ ही साथ ये फाइबर्स और प्रोटीन से मिलके बना होता है पॉइंट नंबर थ्री देखें इट कवर्स द फ्री सरफेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड वेसुरल ऑर्गेन ऑफ अ बॉडी अगर कोई भी ऊपर वाला पार्ट हो या फिर अंदर वाला पार्ट हो बॉडी का हॉलो हॉलो ऑर्गन के अंदर और बॉडी के ऊपर कौन सा चीज़ प्रेजेंट है कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू पॉइंट नंबर फोर देखें इट इज़ डिवाइड डिइड ऑफ एनी ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एपीथीलियल टिश्यू के ऊपर ना ही कोई ब्लड वेसल्स होता है ना ही कोई लिम्फ वेसल्स होता है अब लिम्फ क्या होता है लिम्फ मतलब वो वाला वेसल्स जिसमें लिम्फ जा रहा है लिम्फ मतलब अगर आप ब्लड से कुछ भी और प्लेटलेट्स वगैरह हटा दो अगर क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो उसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं ठीक है थीके? तो उसमें ना लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होता है ना ही ब्लड वैसल्स प्रेजेंट होता है ये छोटा सा स्ट्रक्चर है अगर ये एपिथेलियल टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू के छोटे छोटे सेल्स हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो असेलुलर है और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है फंक्शन देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू का पॉइंट नंबर वन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी आपके आपका स्किन है आपका स्किन क्या करता है आपको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है नहीं तो अगर आपका स्किन नहीं रहता तो क्या होता कि इन्वायरमेंट में इतना सारा बैक्टीरिया है इतना सारा डस्ट है आप सीधा कॉन्टैक्ट में आते उसके और आपको कैंसर वगैरह बहुत सारे स्किन एलर्जी बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाते हैं लेकिन आपका स्किन उससे प्रोटेक्ट करता है तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है हम लोग के बॉडी में जो हर चीज़ मेंटेन करने का वो स्किन होता है और स्किन किस चीज़ से मिलकर है एपिथेलियल टिश्यू से बना है ठीक है पॉइंट नंबर टू देखें एपिथेलियल टिश्यू इज़ इन्वॉल्व इन दब्जॉर्बशन एंड सिक्रिएशन ऑफ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस हार्मोन एंड एंजाइम अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है ना कि कुछ एपिथेलियल टिश्यू में बहुत सारे पार्ट्स हैं कुछ कुछ एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अब ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो गए तो ग्लैंड का, का काम क्या होता है कि उसको हार्मोन या फिर एंजाइम निकालना है और हार्मोन और एंजाइम क्या होता है एक जगह से निकलता है उसको सिक्रेशन बोल रहे हो, और दूसरी जगह पे जाके अब्जॉर्व हो जाता है तो दूसरा फंक्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा पॉइंट नंबर थ्री देखें इन सम प्लेसेस दिस टिश्यू एक्ट एज फिल्टरिंग मेमब्रेन और कहीं कहीं पे क्या करता है ये टिश्यू फिल्ट्रेशन की तरह काम करता है कहाँ पे फिल्ट्रेशन की तरह काम करेगा आप लोगों ने आप लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन का मेकानिज़म कौन करता है हमारा किडनी किडनी किस चीज़ से मिल बना होता है किडनी में जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसमें एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या करता है कि वहाँ पर जितने भी आप पानी पी लो पानी को फ़िल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ठीक है तो एपिथेलियल टिश्यू का ओवरव्यू समझ आ गया अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है कितना टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होता है हो, वो वो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसमें बहुत मजा आने वाला है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू नॉर्मली दो टाइप के होते हैं पहला हो गया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड या फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू सिंपल मतलब सबको पता है मतलब बस एक ही लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है उसको इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मतलब एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है उसको हम लोग कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू अगेन बहुत सारे पार्ट है सिंपल स्वाकमस एपिथेलियल टिश्यू सिंपल कॉलमिनार कॉलमिनार एपिथेलियल टिश्यू क्यूबिकल सिलिएटेड ग्लैंडुलर से एसिक्रेशन और ऑब्जॉर्बेशन का काम हो रहा है सिलिएटेड मतलब कोई एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर अगर सीलिया है सीलिया मतलब छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मूव करने में हेल्प करते हैं कोई भी सब्सटेंट को उसको सिलिएटेड एपीथेलियल टिश्यू बोलते हैं कॉलोमिनार मतलब लंबे लंबे सेल्स लंबे लंबे सेल्स जिसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग कॉलमिनार एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं क्यूबिकल मतलब अगर क्यूब लाइक सेल प्रेजेंट है तो उसको क्यूबिकल एपिथेलियल बोलते हैं so, सोकमस्ट मतलब क्या होता है कि अगर एपिथेलियल टिश्यू है उसमें सेल्स जो है बहुत पतले पतले और टाइल्स के तरह अरेंज है उसका जो बाउंड्री है बहुत इरेगुलर बाउंड्री है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एपिथेलियम और ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग कभी कभी टैसेलेटेड या फिर पेवमेंट मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं ये सब नाम याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा जाता है वट इज़ दल्ट अल्टरनेटिव नेम ऑफ स्वाकमोसेपिथेलियल टिशू टेसिलेटेड या फिर पेवमेंट मेम्ब्रेन अगेन अगर कंपाउंड एपिथीलियल टिश्यू देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है एक होता है कैरेटेनाइज एक होता है नॉन कैरेटेनाइज कैरेटिन का मतलब सबको पता होता है अगर हमारे नेल्स हेयर्स देख ले तो उसमें क्या होता है ना कैरेटिन का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो और वही नॉन कैरेटेनाइज जो बहुत सारे सेल्स से तो मिलकर बने लेकिन उसमें कोई कैरेटीन का रोल नहीं है तो नॉन कैरेटेनाइज पहले देखते हैं ये क्या करता है ना कि कहीं पर आप स्ट्रेचिंग मैकेजम हो रहा है तो वहाँ पे नॉन कैरेटेनाइज वाले कंपाउंड एपिथेलियर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ये यूरिन ब्लेडर है यहाँ पे यूरेटर लगा होता है ठीक है तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर और ये वाले जगह पे प्रेजेंट होता है मतलब ये स्ट्रेचिंग में हेल्प करते हैं वही अगर कैरेटेनाइज देख ले कैरेटेनाइज अगेन डिवाइडेड है कैरेटेनाइज स्टैटिफाइज वॉकमस कॉर्निफाइड स्टैटिफाई क्यूबिकल स्टैटिफाई कॉलमिनार आप सबके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और सबको पता लगाएंगे कि स्वाकमस कहाँ है क्यूबिकल कहाँ है कॉलमिनार कहाँ है और उसका फंक्शन क्या होता है तो सबसे पहले आ गया स्वाकमस एपिथेलियल टिश्यू सोकमस एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन देखिए आप फंक्शन के अकॉर्डिंग आप अच्छे से याद रख सकते हो कि सबसे पहले तो ये डिफ्यूजन करेगा और साथ ही साथ फिल्टरेशन करेगा ठीक है अब डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन आप सोचो कि हमारे बदन में डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है डिफ्यूजन मतलब गैस का इधर उधर होना तो गैस इधर उधर कहाँ होता है हमारे बदन में नॉर्मली हम लोग मुँह से सांस लेते हैं लंग्स के अंदर गैस जाता है अब लंग्स में तो डिफ्यूजन होगा टिश्यू से आपके आ, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाएंगे और लंग्स में जो ऑक्सीजन है आपके वापस टिश्यू में जाएंगे तो वो कहाँ रहा है लंग्स में हो रहा है तो डिफ्यूजन इन एलविलाई ऑफ लंग्स और वही अगर फिल्टरेशन देखें फिल्टरेशन हमारे बॉडी में कहाँ पे हो रहा है किडनी में तो किडनी के छोटे छोटे सेल्स में अगर ये किडनी का एक छोटा सा सेल ऐसा दिखता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं ठीक है नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं वहाँ पर क्या होता है ना कि कोई भी दस पार्टिकल फिल्टर होके यहाँ पर जाएंगे और यूरिन का फॉर्मेशन कर देंगे ठीक है यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन कर देंगे जहाँ पर कोई दस पार्टिकल मतलब आपके जितने भी अच्छे अच्छे चीज़ें वो आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा जितने ख़राब चीज़ें वो यूरिन में चले जाएंगे एक काइंड ऑफ फ़िल्टरेशन हुआ ठीक है अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए स्वाकमोस एपिथेलियल टिश्यू का मेड अप ऑफ सिंगल लेयर क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियल है सिंगल लेयर से तो बनेगा ही ऑफ थिन फ्लैट सेल इेगुलर और रेगुलर सेल्स आउटलाइन दैट फिट टुगेदर ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स अ थिन कवरिंग ये सॉक्मोस एपिथेलियम है जिसको हम लोग पेवमेंट या फिर टैसेलेटेड के नाम से भी जानते हैं मतलब क्या होता है ना कि ये बहुत पतले पतले सेल्स टाइल्स लाइक सेल अरेंज होते हैं घर में टाइल्स लगाते हैं तो क्या होता है ना कि पतला पतला से पतला पतला टाइल्स रहता है एक के बाद दूसरा दूसरा तीसरा ऐसे लगता रहता है वैसे वाली कंडीशन को हम लोग पेवमेंट लेयर बोलते हैं और वही अगर इर बाउंड्रीज है अगर टाइल्स अच्छे से नहीं लगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके लगाए लेकिन वो टाइल्स ही है तो उसको हम लोग टाइसेलेटेस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं फंक्शन क्या है इसका ये डिफ़्यूजन और फिल्ट्रेशन में काम करेगा डिफ्यूजन कहाँ हो रहा था एल्विलाई ऑफ लंग्स में डिफ्यूजन हो रहे थे और फिल्टरेशन कहाँ हो रहा था नेफ्रॉन में जो किडनी में प्रेजेंट होता है किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता चल ही गया होगा इनर लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गेन वोमेंस कैप्सूल जो किडनी में है और एलवेलाई ऑफ लंग्स एलवेलाई ऑफ लंग्स मतलब लंग्स के अंदर जो डिफ्यूजन मैकेनिज्म में काम कर रहे तो होप्स आपको सॉकमस एपिथेलियल टिश्यू अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको कोई बोले ना अब कि सॉक्मस एपिथेलियल टिश्यू अगर हम लोग सांस ले रहे तो वहाँ पर कौन सा टिश्यू काम करता है तो आप अच्छे से बताना कि यहाँ पर सॉकमस एपिथेलियल टिश्यू है हमारे किडनी में सॉकमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर डिफ्यूजन का मैकेानिज़म होता है ठीक है अब दूसरा टिश्यू पे आते हैं जो सिंपल टिश्यू का ही दूसरा पार्ट है वो है क्यूबॉर्डल एपिथेलियम क्यों एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या होता है फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको सबको समझ आएगा पहला तो ये अब्जॉर्बशन में काम करते हैं और दूसरा सिक्रेशन में ठीक है अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन सबको पता होगा ऑब्जॉप्शन मतलब अपने अंदर लेना सिक्रेशन मतलब अपने अंदर से बाहर निकालना स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू इज कम्पोज ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ क्यूबॉडल क्यूब सेल्स विच रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नोन एज क्यूबॉयल एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर क्या होता है ना कि जितने भी सेल्स है ये क्यूब के तरह होते हैं क्यूब सबने देखा है वो क्यूब के तरह अरेंज होते हैं और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है बड़ा बड़ा न्यूक्लियस होता है और बीच में लाई करता है एकदम ठीक है और ये भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई कर रहा है क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं इसका फंक्शन क्या हो गया अब्जॉपशन और सिक्रेशन का कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देख लीजिए ठीक है नंबर वन प्रेजेंट इन द टर्मिनल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रॉन्कील टर्मिनल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रॉन्कील आप देखिए इसको अच्छे से समझते हैं ये हमारा नोज़ है नोज़ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से लंग्स बनाए फिर ये ट्रैकिया मान लेते हैं ट्रैकिया मतलब जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं तो सांस हवा ट्रैकिया में जाता है फिर उसके बाद ये ट्रैकिया, है फिर उसके बाद ट्रैकिया अगेन दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है ठीक है फिर वो ट्रैकिया और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं तो जो सबसे एंड वाला पोर्शन होता है ना ट्राकििया का उसको हम लोग टर्मिनल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के नाम से जानते हैं तो ट्रैकिया का टर्मिनल लाइनिंग पे ये प्रेजेंट होता है मतलब आप एलवेलाई की लाइनिंग भी बोल दो कि वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है और दूसरा क्या है इन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड ओवरी यहाँ यहाँ प्रेजेंट होता है सैलेवरी ग्लैंड जहाँ से सलाइवा का सिक्रीशन होता है थायरॉयड जहाँ पे थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होता है ओवरी जहाँ से ओवम का सिक्रीशन होता है हो गया ये सारे के सारे ग्लैंड है इसलिए यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है अब देखते हैं कॉलमिनार टिश्यू भी हो गया आपका क्यूबॉडल टिश्यू भी हो गया क्यूबॉयल टिश्यू एक बार और ओवरव्यू लेते कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये क्यूब सेल्स है इसमें जितने भी न्यूक्लियस है बीच में पाए जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पिलाई कर रहे फंक्शन क्या है ऑब्जॉर्बशन और सिक्रीशन ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कौन करता है नॉर्मली ग्लैंस करते हैं ग्लान्स में आपका जितना भी ग्लैंड आ गया चाहे वो सैलावरी ग्लैंड है थायरॉयड ग्लैंड है ओवरी है टेस्टीज है ये सारे के सारे में प्रेजेंट होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिए कि टर्मिनल एंड ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल मतलब ट्रैकििया डिवाइड हो हो के हो हो के छोटा छोटा पार्ट में फिर वहां पे प्रेजेंट होता है और यहाँ यहाँ प्रेजेंट होता है ठीक है तो आपको बॉडल एपिथिलियम भी अच्छे से समझ में आया होगा अब हम लोग कॉलेमिनार एपिथिलियन टिश्यू पढ़ते हैं कॉलेमिनार एपिथिलियन टिश्यू क्या होता है ना कि मतलब यहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे वो कॉलम लाइक ऑफ सेल्स होंगे ठीक है मतलब लंबे 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 सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर जितने भी सेल्स यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए कि सारे सेल्स जो है वो लंबे लंबे है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना ये सारे न्यूक्लियस है ये थोड़ा बेस

ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में तो मतलब सबसे पहला तो आप यह ध्यान रख लो कि सारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक अगर ये आपका स्टमक है यह स्टमक है ठीक है तो इसके इंटरनल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ होल ऑफ़ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन डक ऑफ मेमोरी ग्लैंड होप्स आपको पता होगा कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन किसको बोलते हैं अगर नहीं पता तो देख लीजिए अगर स्टमक है स्टमक के नीचे सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे करके लाइक करते हैं ठीक है फिर तो यहाँ से ऐसे करके और उसके बाद डक्स ऑफ मैनी इंग्लैंड जितने भी ग्लैंड होते हैं उसके डक्स में प्रेजेंट होते हैं कौन कॉलेमिनार एपिथेलियल टिश्यू कॉलेमिनार एपिथेलियल टिश्यू से लियेटेड एपिथेलियल टिश्यू हो गया दोनों में आपने ये देखा ना कि दोनों का फंक्शन क्या था ऑब्जॉर््पन और सिक्रीशन ऑब्जॉर्बन और सिक्रीशन हो रहा है तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये दोनों जो है टिश्यू मॉडिफाई कर जाते हैं अपने आप को और बढ़ा देते हैं और उसमें सीलिया प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो टिशू वो कॉलिमिनार या फिर क्यूबॉइटल कौ, कौ, टिश्यू जिसमें सीलिया प्रेजेंट होने लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू तो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलिमिनार एंड क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू ठीक है सच्चे पहले द एपिथेलियल विच इज़ कंपोस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलीमिनार सिलिएटेड कॉलिमिनार और क्यूबिकल सिलिएटेड क्यूबिकल सेल्स इज नोन एज सिंपल Ciliated epithelium samajh समझ में आ गया मतलब दिस इज़ दी of ऑफ क्यूबिक क्यूबिकल एंड कॉलेमिनार एपीथेलियल टिश्यू यहाँ पे जो इसका फ्री सरफेस होता है मतलब फ्री सरफेस का मतलब क्या है कि अगर ये टिश्यू है ऊपर वाला जो सरफेस होता है इसमें कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं एक फ्री सर्फेस पर ट्वेंटी टू थर्टी हेल्लेग प्रोसेस होंगे जिसको हम लोग सीलिया के नाम से जानते हैं अब इसका काम क्या होता है इसका काम ना नॉर्मली कोई भी चीज़ को एक डायरेक्शन में मेंटेन रखना इसका काम होता है अब इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है अगर क्या होता है ना कि हम लोग के नाक से म्यूकस हर टाइम निकलते रहते हैं लेकिन कभी कभी हम लोग कभी, -कभी इन्फेक्ट हो जाते हैं कोई वायरस से जिसके वजह से हमें सर्दी हो जाता है तो जो नाक के अंदर सीलिया होते हैं ना वो चलना बंद कर जाते हैं जैसे ये चलना बंद कर गए तो जितने भी म्यूकस ऊपर से आ रहे थे वो नीचे बहना स्टार्ट कर जाते हैं तो यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है तो ये बात इंटरेस्टिंग हुआ ना कि म्यूकस का सिक्रेशन हर वक्त जाता है लेकिन जब हम लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं तब सीलिया का मूवमेंट बंद हो जाएगा जिसकी वजह से म्यूकस नीचे गिरने लगेंगे और इवन दूसरा पॉइंट देख ले तो फीमेल में जो ओवरी होता है या फिर फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें ओवरी प्रेजेंट होते हैं ओवरी से ओवम निकलता है और ओवम नॉर्मली ऐसे करके ट्राइवल करता है ठीक है और यहाँ पर ये वाले एरिया में फर्टिलाइजेशन होगा मतलब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे इसलिए बोला क्या जाता है ना कि फ़ीमेल को ना सीक्रेट नहीं पीना चाहिए अगर फ़ीमेल ज़्यादा सीग्रेट इंटेक करती है तो यहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट है मतलब फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसका मूवमेंट बंद हो जाता है अब उसका मूवमेंट बंद हुआ जो ओवम ओवरी से निकला तो वो ओवम अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाता है कहीं पे भी ये इधर उधर रह जाता है तो इसमें क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे नहीं होना था और वहीं पे बेबी कंजीव हो जाएगा और जिसके वजह से फीमेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और वो वाले कंडीशन जहाँ मतलब अगर प्रेगनेंसी वहाँ पर नहीं हो रहा है जहाँ पर होना चाहिए कहीं और हो रहा है तो वो वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं इसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो गया अब बात आया कि एक और जगह प्रेजेंट होता है सिलिएटेड एपिथेलियम वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट पे फीमेल का रिपोर्ट डिव पार्ट कुछ इस तरह का दिखता है ये यूटेरस है और यहाँ से एक फिलोपियन ट्यूब निकलता है ठीक है और यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होता है ओवरी का नाम आपको हमने सुना होगा ओवरी क्या करता है ना कि यहाँ से ओवम का सिक्रेशन करता है ठीक है अब ये ओवम क्या करेगा यहाँ से ट्रैवल करेगा और यहाँ पे ना फेलोपियन ट्यूब में कुछ सीलियास प्रेजेंट होते हैं सीलिया मतलब सीलिएटेड एपिथेलियर प्रेजेंट होते हैं लेकिन जब कोई फीमेल सीकर इनटेक करना स्टार्ट करती है तो क्या होता है कि ये वाला सीलिया का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है जिसके वजह से क्या होता है कि अगर कोई ओवम यहाँ से निकला और निकलने के बाद इसका तो नॉ ओवम का, का काम क्या है कि यहाँ तक आए यहाँ पे आने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाए फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स जो है आपस में यूनाइट हो जाए लेकिन क्या होता है ना कि इसका अगर मूवमेंट बंद हो गया तो ओवम जो है इधर तरफ नहीं आ पाता है इसलिए यहीं कहीं पे रह जाता है अब यहाँ पे रह गया तो मेल का गैमेस तो यहाँ तक सफ़र कर जाएगा यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन नॉर्मली फ़ीमेल के ये वाले पार्ट में होना चाहिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया फ़र्टिलाइजेशन यहाँ पे होने के बाद क्या होता है कि बेबी यहीं पे बनना स्टार्ट हो जाता है अब जैसे बेबी यहाँ पे बना थोड़ा दिन तक तो ठीक है लेकिन जब बेबी बड़ा होना स्टार्ट होता है तो फिलोपियन ट्यूब जो एक छोटा सा पतला सा स्ट्रक्चर है वो फूलना स्टार्ट कर जाएगा और जिसके वजह से क्या होता है कि फ़ीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट तो गया गया इवन बच्चे भी जो बच्चे कंजीव हुए वो भी मर जाते हैं और फीमेल का भी मरने का चांस होता है इसलिए बोला क्या जाता है कि फ़ीमेल ज़्यादातर सीक्रेट इनटेक नहीं करें वैसे सीक्रेट ना फीमेल ना मेल को इनटेक करना चाहिए क्योंकि ऑफकोर्स आपको लंग्स कैंसर वगैरह बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे और एक बार आपको इसका लत लग, लग गया तो वो छूट भी नहीं सकता है इसलिए प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर तो स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक होप सो आपको ये वाला चैप्टर भी ये वाला एपीथीलियम भी अच्छे से समझ में आया होगा सिलेटेड एपीथीलियम ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्या क्या इसका रोल है कैसे प्रेजेंट होते हैं किसका मॉडिफ़िकेशन से बना है इसका फंक्शन क्या है अब हम लोग दूसरा पे आते हैं जो है ग्लैंडुलर एपिथीलियम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी क्या होता है ना कि ये भी क्यूबिकल और कॉलमिनार के मॉडिफिकेशन से बनता है ये भी किससे बनता है क्यूबिकल और साथ ही साथ कॉलमिनार के मॉडिफिकेशन से बनता है यहाँ पे ये दोनों सेल मतलब ये दोनों टिश्यू क्या करते हैं ना कि अपने आप को कुछ ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं कि हमको कुछ सिक्रीट करना है या फिर कुछ अब्जॉर्ब करना है तो वैसे काइंड ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू सेक्शन देखते हैं द एपिथेलियल टिश्यू द दिथेलियर विच फॉर्म द सिक्रीटरी पार्ट ऑफ डिफरेंट ग्लैंड इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल पार्टिसिपेटिंग इन ग्लैंडुलर टिश्यू इसके अकॉर्डिंग दो टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं एक होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड एक होता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या होता है ना कि यहाँ पे बस एक सेल ही काफ़ी है आपका कुछ भी हारमोन्स या फिर कोई म्यूकस या फिर कोई भी एंटी चीज़ निकालने के लिए और वही अगर मल्टी सेलुलरस मल्टी सेलुलर ग्लैंड वहाँ पे एक सेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है वहाँ बहुत सारे सेल्स आपस में मिलेंगे मिलने के बाद एक ग्लैंड बनाएंगे और ग्लैंड के बाद वहाँ से हार्मोन हो तो हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे एंजाइम हो तो एंजाइम का सिक्रेशन करेंगे तो यूनीलुलर सेल अगर आप यूनिसेलुलर सेल में यूनिसेलुलर ग्लैंड में जो जो सेल आ गए उसका आप ध्यान में रख लो तो बाकी जितने भी ग्लैंड है आपके बॉडी में वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर है तो यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल और पैनेट सेल आते हैं गॉबलेट सेल क्या करता है ये म्यूकस को रिलीज़ करता है म्यूकस क्या हो गया जैसे कि मैंने बताया नोज से जो ओवरफ्लो होता उसको है उसको म्यूकस बोलते हैं स्टमक में कभी म्यूकस का सिक्रीशन हो जाता है वो म्यूकस नोज वाले की तरह सेम नहीं होता है अलग काइंड ऑफ म्यूकस होते हैं वही अगर पैनिड सेल है तो पैनिट सेल क्या करते हैं ये एंटी बैक्टीरियल लाइजोजोम सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं अब एंटी बैक्टीरियल लाइजोजोम क्या करता है अगर हम लोग रोते हैं तो बोला जाता है ना कि रोने से आँख साफ़ होता है क्योंकि आँख मतलब आंसू में क्या होता है ना लाइजोजोम प्रेजेंट होता है और लाइजोजोम जितने भी बैक्टीरिया अगर आपके आँख में आपके आँख तो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है ना अगर जितने भी बैक्टीरिया आपके आँख के कांटेक्ट में आ गए तो ये लाइजोजोम क्या करता है कि सारे बैक्टीरिया को मारने में रिस्पॉन्सिबल है वही अगर एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब मल्टी सेलर ग्लैंड देखें तो इसमें एग्जोक्राइंग ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड आता है एग्जोक्राइंग ग्लैंड क्या निकालता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम और एंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फंक्शन क्या है एक ही काम तो इसका ये सिक्रेशन में हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन सैलवरी ग्लैंड पैंक्रियस स्वेट ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड जितने भी ग्लैंड है सारे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने हैं तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया अब हम लोग कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू सब समझ में आ गया होगा कि उसमें सॉकमस क्यूबिकल कॉलमिनार सिलिएटेड और ग्लैंडुलर टिश्यू थे सबका का कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है क्या क्या फंक्शन होता है सब समझ में आया होगा अब कंपाउंड देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या कि मतलब एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है इसमें एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट तो उसका मेन फंक्शन क्या होगा कि हमको ना कुछ भी ना प्रोटेक्ट करना है अगर हम एक्सटर्नल इन्वामेंट भी हैं तो मेरा काम है हमको प्रोटेक्शन का और कुछ हम का, ज़्यादा काम नहीं करेंगे डेफिनेशन पे आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम इज़ कम्पोस्ट ऑफ मैनी लेयर ऑफ सेल्स डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ कंस्टिट्यूटिंग सेल एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स दिस वेराइटी ऑफ टिश्यू इज सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ये क्या होता है ना कि बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स से तो मिलके बने हुए हैं और वो सेल कैसे कैसे करके अरेंज है अकॉर्डिंग कि मतलब उसका फंक्शन क्या है उसका अरेंजमेंट कैसा है वैसे वैसे करके वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है तो ये दो टाइप का होता है मैंने आपको पहले बताया था कि एक कैरेटेनाइज होता है एक नॉन कैरेटेनाइज होता है नॉन कैरेटेनाइज वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्ट्रेचिंग का मैकेनिज्म हो स्ट्रेचिंग का मैकेनिज्म नॉर्मली यूरिनरी ब्रेडर यूरेटर यहाँ यहाँ होता है अब नॉन कैरेटेनाइज कैसे कैसे होते हैं वो देखते फंक्शन देख लीजिए प्रोटेक्शन का अच्छे से पता होगा तो उसमें कौन कौन से पार्ट थे कैरेटेनाइज है, में सबसे पहला था स्ट्रेटिफाइड स्वाकमस कॉर्निफाइड ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है सबसे पहले तो ये स्किन में प्रेजेंट होंगे स्किन प्रोटेक्शन का काम करता है अभी के साथ साथ कंपाउंड एपिथेलियम में स्वाकमस अगर आपको ज़्यादा जोर से चोट लग गया तो आपका ऑर्गन तो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है ना तो क्या इसका मतलब क्या अगर आपको जोर से बाहर से चोट लगा तो आपको सीधा तो नस नहीं फट जाता है उसका कौन हेल्प कर रहा है आपका स्किन हेल्प कर रहा है फिर दूसरा देखें दूसरा आ गया सैटिफाइड स्वाकमस नॉन कॉर्निफाइड फाउंड इन कॉर्निया कॉर्निया मतलब आंख का जो लेयर होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं माउथ ये वाला चीज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कोई कोई जगह अगर आपके बॉडी में जहाँ पे गीला जगह है ना वहाँ वहाँ प्रेजेंट हो कॉर्नियाफाइज गीला वाला जगह है माउथ के अंदर वाले पार्ट पूरा गीला रहता है फैरिंग्स मतलब अगर आप सांस लेते हो या फिर खाना खाते हो दोनों एक जगह पे मिलता है वो भी एक गीला वाला पोर्शन है वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा एंड ऑल्सो हेल्प टू अफोर्ड मैकेनिकल प्रोटेक्शन मतलब बाहर वाली इंजरी से प्रोटेक्शन में भी इसका काम आता है फिर नंबर थ्री आ गए स्टैटीफाइव क्यूबिकल इसमें क्यूबलाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे और सारे वैसे करके अरेंज होंगे ये फेरिंग्स और एपिगलॉटिक्स में प्रेजेंट हो गया एपिग्लॉटिक्स क्या हो गया अगर ये ट्रैक किया है ट्राकििया मतलब अगर आप नाक से कनेक्शन है नाक से जो सांस आता है वो ट्राकििया के अंदर आता है तो ट्राकििया पे ना एक गेट लगा होता है कि मतलब अगर आप खाना खाओ तो खाना भी यहीं पे नहीं चला जाए तो वो गेट को हम लोग एपिगलॉटिक्स के नाम से जानते हैं ये गेट को हम लोग एपिगलॉटिक्स के नाम से जानते हैं यहाँ पे प्रेजेंट हो गया फिर उसके बाद नंबर फोर देखें स्टैटिफाई कॉलमिनार सिलिएटेड यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होगा फाउंड इन सॉफ्ट पैलेट्स पार्ट ऑफ फरिंग्स अब सॉफ्ट पैलेट क्या होता है सॉफ्ट पैलेट मतलब अगर आप अपना मुंह खोलो मुंह खोलने के बाद ऊपर वाला स्ट्रक्चर को टच करते हैं ठीक है ऊपर वाला स्ट्रक्चर में सबसे पहले दांत आता है दांत के बाद आपको हार्ड पैलेट नज़र आएगा अंदर वाला जो मस्कुरा बोलते हैं ना उसको उसको टच किए हार्ड था फिर उसके बाद थोड़ा अंदर गए तो वो वाला स्ट्रक्चर पतला होते जाता है सॉफ्ट होते जाता है फिर उसके बाद आपको एक ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आएगा माउथ के अंदर उससे पहले जो सर्फेस रहते हैं ना आपके माउथ में उसको हम लोग सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं वहाँ पे क्या कौन सा चीज़ प्रेजेंट है कॉलू में ना सिलेटेड तो होप्सो आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज की क्लास में पूरा एपिथेलियल टिश्यू हम लोग ने कवर कर लिया अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आपसे ही रिलेटेड है जितना भी कुछ है सब आपके ऊपर ही है तो पढ़ते रहिए थैंक यू